निगार खान, आप झटके पे झटके देती हैं अपने बेबाक सच से। शॉक क्वीन है, सुना है, एक और झटका देने जा रही है दर्शकों को अपने ऐसे ही एक सच से। हम जानना चाहते हैं तीनों कि आपका वो अगला झटका क्या होगा। झटका एक्चुअली मेरे लिए भी बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि पहली बार मैं कुछ ऐसा करने जा रही हूँ जो मैंने पहले कभी नहीं किया। अपने कंफर्ट जोन से बाहर जा रही हूँ। मैं इतना ही कहूँगी कि इट्स एन एक्सपेरिमेंट फॉर मी, और मैं कुछ नया करके शायद वो होता है ना, एक आपके करियर में एक लेवल आ जाता है जब आप सोचते हो यार अब कुछ नया करना चाहिए। तो बस ये मौका मुझे मिला, एंड आई होप ऑडियंस मुझे एक बहुत नए रूप में देखेगी बहुत जल्द। पर कुछ तो बताइए शो के बारे में, कि ये शो है क्या, किसके ऊपर है? अभी मैं सब कुछ बता दूं तो फायदा क्या, बस इतना कह सकती हूँ कि हाँ एक सीरियल नहीं है, जैसे मैं नेगेटिव कैरेक्टर्स करते आ रही हूँ, ये वो नहीं है। ये कुछ मेरे लिए बहुत दिल के करीब है, क्योंकि आई एम श्योर अगर आप जब ये शो देखेंगी तो आप जानेंगी कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा क्यों इतना इम्पोर्टेंट है कि मैं ऐसे एक एक्चुअली सीक्रेट बना के रखूँ। बहुत जल्द इनफैक्ट प्रोमोज अगुरमियों ने एयर, आप बहुत जल्दी देखेंगे कि किस चैनल पे कौन सा शो और ऐसा क्या मैं कर रही हूँ जो मैं अपने आप के लिए फिलहाल छुपाना चाहती हूँ। कंट्रोवर्सी और निगार, मतलब दे गो हैंड इन हैंड। रियली फ्रैंकली मुझे नहीं, यू नो आई डोंट कॉल फॉर कॉन्ट्रोवर्सी। एक्चुअली देर आर टू टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रोवर्सी, एक ये होता है कि आप अपने पर्सनल लाइफ पे कॉन्ट्रोवर्सी कर रही हैं, एक ये होता है कि आपका काम एक्चुअली इतना कॉन्ट्रोवर्शियल होता है। सो आई एम ग्लैड माई, यू नो, मेरा काम बहुत ज़्यादा तो बात ये कर रहा जब काम की बात कर रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी जनरेट होगी, है। डेफिनेटली होगी, डेफिनेटली होगी। डेफिनेटली होगी, क्योंकि जैसे मैंने कहा थोड़ा अलग शो है और थोड़ा दिलचस्प शो है। सो जहाँ पे स्पाइस आता है वहाँ पे कंट्रोवर्सी शगुन, तो मेरे को कुछ कुछ हिंट लग रहा है, ये वो राखी जैसा तो नहीं है जो ये राखी का था, राखी का इंसाफ वैसा तो कुछ नहीं है। कौन कौन? वेरी गुड, आई लाइक कैरेक्टर, एज एन एक्टर आई डोंट लाइक बीइंग कंपेयर टू एनीबॉडी। एनीबॉडी। हर एक की एक आइडेंटिटी है, अगर मैं एक शो कर रही हूँ तो यू नो आई थिंक लोगों को ये कंपैरिजन नहीं करना तो चाहिए। ग्लैमर की दुनिया से है, जिसमें ग्लैमर की डेफिनेटली, क्या मैं दुनिया बिना की ग्लैमर के कुछ नहीं, कर आप सकती तो ग्लैमर ग्लैमरस है ही, लेकिन जो शो है वो ग्लैमर की दुनिया का वो सच है जो लोगों के सामने लाना चाहेगा। हूँ? देखिए आई थिंक एक जर्नी है, मैं कोई सच और यू नो ये जो ग्लैमर की दुनिया के आसपास का जो चीज़ है वैसा नहीं होगा, बट यस एक एक जर्नी है आपकी मेरी या फिर आपकी या फिर किसी और की या फिर कोई भी जो देख रहा है मेरे उस शो को, आई एम श्योर वो ये एक फील एक पल के लिए मेरे साथ वो मोमेंट जिएगा। एंड आई थिंक अगर मैं वो अचीव कर सकूँ इस शो के दौरान सो आई बी हैप्पी अबाउट इट। तो सो ये लाइक आमिर खान जैसी स्ट्रैटेजी नहीं है सत्यमेव जयते के लिए, कि कुछ नहीं बताना और जब शो शुरू होगा तो वो अपने तब आप में सब कुछ धड़ाके से कहेगा? एकदम कंपेयर देखिए आप फिर से मुझे कर कंपेयर कर रही रही है, बट हैं। दिस टाइम इट्स आमिर आमिर खान, दिस टाइम खान, इट्स आमिर कोई नहीं खान। कोई भी हो, आई थिंक आमिर खान और राखी सावंत और एनीबॉडी, आई थिंक हम सब एक तरह से एक अगर एक स्टेप ले रहे हैं कि आप कुछ अलग करें। यू नो आप कैरेक्टर्स तो करते हैं, आमिर खान इज एन एक्टर, राखी सावंत इज एन एक्टर, मैं भी एक एक्टर हूँ। सो अगर मैं सीरियल के अलावा अगर कुछ और कर रही हूँ तो आई एम श्योर इट इज डिफरेंट, राइट? आई एम नॉट एक्टिंग। एक छोटी रैपिड सी फायर गेम खेलते शगुन, हैं, रैपिड फायर, आपको बस हाँ या ना का जवाब देना है। मैं थोड़ा शो के बारे में कुछ मैं सच का पूछूंगी। सामना कर चुकी हूं, मैं अब यहाँ नहीं करूंगी। पे कोई बदर नहीं है ना, टी टी पता नहीं रॉन्ग, लगेगा झूठ आप और जो सच। बोलोगे हमें विश्वास करना ओके पड़ेगा। ठीक है। इस शो में ये कोई सास बहू टाइप है? नहीं भाई बहन की कहानी? ना क्या इसमें ग्लैमर है? या क्या इसमें रोना धोना है? आई डोंट नो, अगर आप शायद इमोशंस हैं? बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। किस करेंगे तरह के लोग हैं जिनको, जो इससे कनेक्ट करेंगे यहाँ पर? सारे लोग, आई थिंक जवान बूढ़ा बच्चे, आई थिंक सभी इस शो से रिलेट करेंगे कहीं ना कहीं। एंड आई एम जस्ट कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस क्योंकि मैं बहुत डरी हुई व्हाट अ हूँ। पजल, मतलब ग्लैमर भी है और ऐसे लोग भी रिलेट और करेंगे जो बच्चे भी बुजुर्ग भी देखेंगे, हैं, बच्चे भी बच्चे हैं। भी तो डेफिनेटली, ये डेफिनेटली एक यू सर्टिफिकेट शो है। जब आप आते हो तो उसमें
कुछ एक्सपेक्टेड होता है दर्शकों को अब तक आपने जो डेफिनेटली आई काम थिंक किया है? दर्शक मुझे एक आईब्रो उठाते हुए बात करते हुए देखते आ रहे हैं, वो मिसिंग होगा इस शो में से. मतलब आप वेब नहीं है वहाँ, वो हम जान रहे हैं. मैं निगार खान हूँ और मैं एक अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी ऑडियंस से इस शो के थ्रू. दे विल सी, जैसे खान सिस्टर्स में रियल निगार खान नजर आई, इसमें भी निगार खान नजर आएंगी लेकिन एक अलग तरीके से. कहीं ना कहीं हम नए शो में ये भी देखने वाले हैं कि निगार इस चीज़ के लिए, मुझे तो लगता है पिछले दो शो से बहुत जानी गई है कि अपने जीवन को बड़े खुले से पेश कर रही है, तो आने वाले शो में भी हम देखेंगे कि आप अपने जीवन को पेश कर रही हैं. आप मुझे मेरे जीवन को नहीं लेकिन अनुभव को जी आप ये देखेंगी कि ये एक नए तौर से फिर से बिना डरे एक ऐसा कदम उठा रही है. हो सकता है ये मेरे तरफ पॉजिटिव हो या हो सकता है ये मेरे लिए दुश्मन नेगेटिव नहीं बना लेंगे जब आप बात करेंगे. शादी तो नहीं कर रहे ना शो के दौरान? पता नहीं कब होगी मेरी शादी. एक नए दौर से एक नए उसे तो मुझे लगा कहीं कि शादी ना हो जाए बाय द एंड ऑफ द शो. आई डोंट नो, इंशाल्लाह शायद वो भी हो जाए. अच्छा इस शो में आपकी जैसे आप कहते हैं बेटर हाफ गौहर दिखाई देंगी? गौहर नहीं, ये शो सिर्फ निगार खान के ऊपर है. गौहर नहीं. अच्छा शगुन, ये शो के बारे में मैं कुछ नहीं बता रही, तो हम इनकी पर्सनल इनके बारे में ही पूछ लेते हैं ना. बिल्कुल. क्या पूछना चाहेंगे आप? क्या बताना चाहेंगे आप? चलिए यहाँ से शुरू करते हैं. अभी तो मुझे नहीं लगता मीनाक्षी कि इनके जीवन में कोई ऐसा हिस्सा रहा है कि जो उन्होंने जो नहीं शेयर किया हो. कैसे उठते बैठते हैं? एक चीज जो मैं जानना चाहूंगी वो ये है कि निगार, निगार का मतलब क्या होता है, कहाँ से आया ये निगार? निगार इज पर्शियन नेम, पर्शियन नाम है इसके. इसका मतलब है ब्यूटी. और मेरा नाम जब रखा गया बहुत ही पता नहीं, मैंने सुना है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट मोमेंट था वो, क्योंकि मेरे घर में मेरे सारे भाई बहन गोरे हैं. गोरे हैं हाँ, और मैं ही एक हूँ जो अपने पापा पे गई. मेरे पापा इज डस्की एंड नाइस एंड हॉट. जब मैं पैदा हुई तो शायद किसी ने कहा था कि अरे ये वो, मेरे से ऊपर दो बड़ी बहनें हैं तो मैं फिर से बेटी हुई. और किसी ने मेरी मम्मी को कहा अरे तीसरी भी लड़की हुई. एंड किसी ने कहा अरे लेकिन इसका रंग थोड़ा सा सांवला है. सो माई फादर सेड खबरदार, एंड माई फादर इज अ पठान. तो मेरे पापा ने कहा खबरदार, और उन्हें गोद में उठा और कहा ये मेरी ब्यूटी है. तो मेरे पापा के बेस्ट फ्रेंड सलीम अंकल, अभी वो इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने पापा को कहा ये तुम्हारी निगार है. क्या बात है? क्योंकि सलीम अंकल निगार सुल्ताना के बहुत बड़े फैन. क्या बात है, ये तरीका देखा बोलने का. एक ऐसी बात करी कितने अंदाज से, क्योंकि ऐसा ऐसा. तो ये शो पे भी मुझे लग रहा है एकदम आपका पूरी आम जिंदगी में भी ऐसी बात करती हूँ. आई एम श्योर मैं घर पे झल्ली हूँ. आम जिंदगी में मैंने आपको रोते हुए बहुत देखा है, स्पेशली खान सिस्टर्स में. छोटी छोटी बातों पे इतने मोटे मोटे आंसू बाहर निकल आते थे. आपको देख के बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि आप इतने मतलब इतनी इमोशनल होंगी? नहीं, मैं बहुत इमोशनल हूँ. आई थिंक क्योंकि मैं बीच में हूँ, मेरे ऊपर दो बड़ी बहनें हैं और फिर एक भाई और एक बहन है छोटी. बचपन में यू नो मैं अटेंशन के लिए घर में बहुत घूमती थी कि कोई मुझे देख ले. तो कुछ भी अगर झगड़ा भी होता था मैं चुपचाप बैठ के रोती थी. तो मैं बहुत इमोशनल इंसान हूँ. यू नो मैं एनिमल्स की मूवीज देखती हूँ, रियल स्टोरीज जब देखती हूँ मेरे आंखें बस भर आती हैं और मैं भैं करके रोने बैठती हूँ. तो शो में हम बहुत भैं देखने वाले नहीं नहीं मुझे लगता है कि आप अभी एक बात करी जो शायद ध्यान से हट गई कि आपने कहा कि लोगों को अच्छा लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता है. हो सकता है कि जब आप अपना सच बताएं और आपके सच से जुड़े हुए जो लोग हैं जिनके बारे में आप जरूर कहेगी वो नाराज हो जाए आपसे. मैंने आपसे इसलिए ये कहा क्योंकि एज एन एक्टर, एज अ मीडिया पर्सन, जब आप एक नया कदम लेते हैं तो हमेशा ये डर रहता है. ये बटरफ्लाइज इन द स्टमक होना बहुत जरूरी है कि क्या आपका ये कदम सफल रहेगा या फिर आपको नेगेटिव पब्लिसिटी मिलेगी. मैंने ये कभी नहीं कहा कि अपना सच बयान करने वाली हूँ. लेकिन यस, अपने नए कदम को लेकर हाँ ये डर जरूर है कि जैसे मैं बताऊँ कि अगर आप कास्टिंग काउच की बात करें कि इंडस्ट्री में होता है, वैसा हम सुनते आए हैं. कोई खुले से बताएं या तो किसी के साथ किसी ने बदतमीजी की और किसी ने किसी को चाटा मार दिया,
और सपोज आपने चाटा मार दिया और आपने कहा मैंने चाटा, बेशक नाम ना बताए, लेकिन कुछ ऐसे फैक्ट है इंडस्ट्री के जिसको आप कंफर्म करें कि ऐसे डर है। क्या आपके, आपने कभी कास्टिंग काउच फेस किया है? मैंने सच का सामना के वक्त एक मुझसे सवाल पूछा पास गया कर था। दिया था आपने तो तब? नहीं, मुझसे सवाल पूछा गया था कि हैव यू एवर स्लैप समबडी फ्रॉम द मीडिया वर्ल्ड, एंड यस, एक वक्त था जब मैं एक पार्टी में थी और एक पता नहीं वो बंदे कहाँ से आ गए, वो पता नहीं इस इंडस्ट्री के भी थे क्या, ही वॉज ट्राइंग टू प्रिटेंड समथिंग। मैं उस दौरान मॉडल थी, तो यस, मुझे एक इंसान आए थे कहा कि हम, यू नो, आई लव यू फिल्म, आप क्या कर सकती हैं, और मैं तब नई नई मुंबई तो में आई आपने थी। ये बोला मैं ये कर हाँ, सकती मैं हूँ, ये कर सकती, हाँ मैं थप्पड़ मारने निकल गई। मैं एक्चुअली मैं थप्पड़ मारने गया तो और ज्यादा डर गई, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था ये कि है कौन। पार्टी में बंदा है कौन, और उस वक्त मैं बहुत नई थी, तो मैं भाग निकली वहां से। बट फ्रैंकली मैं टेलीविजन इंडस्ट्री को बिलोंग करती हूँ, फिल्में आज तक मैंने की नहीं, ना मैंने वो रास्ता अपनाया है अभी तक, इंशाल्लाह आगे पता नहीं, बट जब तक मैं किसी चीज़ को सामने से नहीं देखूंगी, मैं उस चीज़ को जज नहीं करूंगी, मैं उस चीज़ को हामी नहीं भरूंगी। मेरे लाइफ में ये इंसिडेंट हुआ तो मैंने उसके लिए हाँ कहा, बट आई डोंट नो इफ कास्टिंग काउच एग्जिस्ट और नॉट, बिकॉज गौहर मेरे क्यों साथ नहीं नहीं आई हुआ। सच का सामना में? वैसे तो आप दोनों कितना इकट्ठे एक एक जगह हर जगह घूमते क्या हो। गौहर फिल्में कर रही है तो क्या मैं भी उसकी फिल्मों में उसके साथ नाचने लगूं? शूट वगैरह में वो साथ ही जाती थी। गौहर उस वक्त जंगूरा में बहुत ज्यादा बिजी थी, वो गुड़गांव में वो जो शो कर रही हैं, तभी जंगूरा हफ्ते में 5 बार होता था। तो उसकी किस बात से अब जलती है जब आपने कहा कि एम आई जेलस ऑफ गौहर? आई थिंक गौहर इज सुपर टैलेंटेड। अभी भी जब मैंने उसकी इशकजादे देखी, आई थिंक शी इज डन अ फैबुलस जॉब, एंड एज एन एक्टर, अगर आप किसी को भी टैलेंटेड देखते हैं, आप उसे अपने आप से कंपेयर करते हैं, और ऑब्वियसली आई एनवी द पर्सन दैट शी इज, शी इज ट्रिमेंडसली टैलेंटेड, एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि काश, यू नो, हाई, बिकॉज आई डेफिनेटली नो वन थिंग दैट गौहर डांसेस मच बेटर देन मी। गौहर बहुत ही खूबसूरती से नाचती है और मैं वो नहीं कर पाऊंगी, तो यस, आई एम जेलस। क्या आपने ये वाले गाने पे घर पे कभी डांस करा उसके सॉन्ग पर? ऑफ कोर्स, तो मैं लास्ट में आपके साथ डांस करूंगी इसका। आपने कभी गौहर को कहा लेट्स कि सी कौन ज्यादा बेटर मैंने डांस कहा करता गौहर है? अच्छा नाचती है, मैं नहीं। हम जज करेंगे कि कौन बेटर नाचता है। आई एम श्योर मेरे आगे आप हो तो मैं यही कहूंगी कि आपसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं नाचता है। एक चीज बताइए कि आपने कभी गौहर को कहा है कि जैक लगाने को, कि मेरे लिए तुम थोड़ा जुगाड़ लगाओ फिल्म इंडस्ट्री में? कभी नहीं, मुझे एक्चुअली एक्टिंग आती थी वो भी नहीं पता था। मैं यहाँ मॉडल के तौर पर आई थी, मैं सिर्फ रैंप मॉडलिंग करने आई थी मुंबई, और 4 साल रैंप मॉडलिंग करके मैं अपने बैग्स पैक करके पूना वापस जा रही थी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करने के लिए। तो जब मेरा पहला सीरियल लिपस्टिक हुआ, मुझे एक दिन में बुलाया गया, बात हुई, उसी दिन ऑडिशन लिया गया, शाम को 7 बजे मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रही थी। तो मेरी जिंदगी एक दिन में पूरी बदल गई, एंड मैंने कभी नहीं जाना कि एक्टिंग मुझे आती थी। गौहर 5 साल की थी तब भी, हम जब बच्चे खड़े रहते थे ना फोटोग्राफ में, हम सब ऐसे सीधे खड़े रहते थे, गौहर खड़ी रहती थी ऐसे। ओह माय गॉड, सो एट द एज ऑफ 5 माय गौ न्यू कि शी इज गोइंग टू बी अ फिल्म स्टार। सच के सामने में आपने इतना सारा सच बताया अपने जीवन का जो आपके घर वाले भी नहीं जानते थे। जी, शो के बाद में आपके घर वालों ने क्या कहा, आपको क्या रिएक्शन मिला था? शो के बाद नहीं, मैं आपसे वो बात कहूंगी कि जो मेरे पापा ने शो से पहले की थी मुझसे, जब मुझे ये ऑफर आया करने के लिए। आई थिंक मैं अपने आप को ब्लेस्ड समझूंगी कि ऐसे शो पे वो जाने से डरते हैं जिनके वार्डरोब में बहुत सारे स्केलेटन्स हो। मेरे वार्डरोब में ऐसा कुछ नहीं। जो भी सवाल मुझसे पूछे गए, अगर आप एपिसोड दोबारा देखेंगी, तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चंस हैं, और अगर हम कॉमन क्वेश्चंस को अग्री नहीं कर सकते सर ऊंचा रखकर, तो फिर इस जिंदगी का क्या फायदा। आई टोल्ड माई डैड, पापा मुझे ये ऑफर मिला है, क्या मैं करूं? माई डैड टोल्ड मी, निक्स, मेरे घर पे मेरा नाम निक्स है, माई डैड सेड, निक्स, इफ यू हैव द कॉन्फिडेंस कि ये शो करने के बाद वॉट एवर कॉन्सिक्वेंसेज हैपन, इफ यू हैव द गट्स टू फेस दैट, आई एम स्टैंडिंग बाई योर साइड। तो मुझे उसी पल मैंने डिसाइड किया, आई हैव नथिंग टू हाइड। तो फिर किससे रिएक्शन कैसा आया था? नथिंग। किस तरह की फैमिली है आपकी, कंजर्वेटिव?
या लिबरल के साथ? नो सी द मिक्सचर है हमारी फैमिली में. मॉम एंड डैड और हमेशा सपोर्ट करते आए हैं गौहर और मुझे, बिकॉज हम दो ही हैं जो इस इंडस्ट्री में हैं. मेरी जो बड़ी बहन है थोड़ी सी वो कंजर्वेटिव तो नहीं कहेंगे, बट शी इज मोर रिलीजियस, शी इज मोर अबाया, शी कीप्स पर्दा. सो उनके थोड़े से ख्यालात अलग हैं, लेकिन वो हमारे जो भी डिसीजंस होते हैं उन्हें वो सपोर्ट करती हैं. हर घर में कुछ ना कुछ अनबन होती है. आई थिंक वी ऑल माशाल्लाह एक चीज हम बचपन में गाना गाते थे, एक दूसरे से करते हैं प्यार हम का. तो आई थिंक वो फोन पे भी गाया था और रो भी पड़े थे सब लोग. वो एक गाना हमारी जिंदगी में हमेशा हमें ऐसे बांध के रखता है. इनकी बड़ी सिस्टर इनके लिए पता नहीं कब से एक लड़का ढूंढ रही है, क्या हुआ? इतनी मीटिंग्स आपके लिए सेट करी थी दुबई के अंदर. मैं तो रचाने वाली हूँ, यू नेवर नो. मेरा अगला शो यू नेवर नो. क्या नाम होएगा उसका? निगार का निगाह. देखो मैंने परफेक्ट नाम भी ढूंढ दिया है. पर क्या निगार अभी सिंगल है? निगार बहुत सिंगल है. निगार राइट नाउ मैरिड टू हर वर्क. अगर प्यार होना है तो वो एक पल में शायद हो जाए. ऊपर वाले पे छोड़ दिया है. अच्छा निगार अभी थोड़ी देर पहले ही बोली थी कि मेरे वार्डरोब में कोई स्केलेटन्स नहीं है, लेकिन निगार के वार्डरोब पे चुराया हुआ एक गारमेंट है. हाँ बिल्कुल, उसे मना किया था. मैंने मना पर उस पे बज बज गया तो मैं काफी हैरान हुई. आप अगर वो उस शो को देखेंगे तो वो कहते हैं कि 99% 100% नहीं है. तो अगर मुझसे कोई, मैंने उनसे ये भी पूछा कि अगर आप मुझे कहते कि क्या आपने कुछ चुराया है शूटिंग सेट से, तो बेख्याली में हो सकता है कभी ना कभी एक पिन रह गई हो, या चुराना नहीं होता है बट ये गेम गलती से आपके पास रह गई है, बहुत गेम ना. बट उन्होंने मुझसे पूछा खास कि क्या आपने कोई कपड़ा चुराया है. तो एक गेम जब आप पॉलीग्राफिक टेस्ट पे होते हैं, आपको एक सवाल पूछा जाता है, एक्चुअली इट्स अ माइंड गेम. तो मेरी एक मेमोरी क्लिक होनी चाहिए तब जाके मैं हाँ या ना बोलूंगी. अगर मेरा दिमाग में कोई मेमोरी नहीं है उस इंसिडेंट की, आपसे मैं कोई भी सवाल पूछूंगी, अगर आपने वो जिंदगी में किया है तो कहीं ना कहीं एक कुछ धड़कन बढ़ती है, राइट? कुछ तो होगा. जब आपने किया ही नहीं तो मैंने एकदम क्लियरली बोला नो. आई वाज लाइक व्हाट. बहुत शॉक लगा होगा ना कि मैं इस पे हार गई. बहुत ज्यादा शॉक. एंड आई थिंक लाइक आई टोल्ड देम, हाथ मेरे हैं, अगर मैंने कुछ किया है तो. अगर मैंने इतने सारे सवालों का बेझिझक जवाब दे दिया तो अब क्या निगार मेरे साथ अपनी सिस्टर के गाने पर डांस करेंगी? जी जरूर, एक दो ठुमके मार लूंगी. चलिए चलिए, स्पेशली उसकी पहली लाइन, लव द पहली लाइन. चांद बेबी है आई. इतनी सीढ़ियां बजाई है ना मेरी बहन के लिए. दिखा करके डुबा दे गया चला. बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी नाइस.